हेलो बच्चों, गौर से मत देख इन लकीरों को, यहाँ रसायन लीला के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। केमिस्ट्री की पूरी दुनिया रसायन लीला ही नजर आएगी। देखिए दोस्तों, आज हमें लोथर मेयर कर्व की पूरी रहस्यमयी कहानी को सुलझाना है और उसके बाद मैनली पीरियोडिक टेबल की हमें बात करनी है। यही महाशय लोथर मेयर थे जिन्होंने इस प्रकार का कर्व प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, यानी एटम की वॉल्यूम को वाई कोऑर्डिनेट मान लिया और देखिए एटम की वेट को, एटॉमिक मास को एक्स कोऑर्डिनेट मानते हुए इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कर्व प्लॉट किया गया। तो देखिए, सबसे पहले हमें नोट करना होगा इन्होंने किस प्रकार से कर्व प्लॉट किया। ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे। दिखने में काफी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हम वन बाय वन यहां पर कंक्लूड करेंगे और मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे इन सभी पॉइंट्स के, तो आसानी के साथ इस कर्व को सिंपल बनाया जा सकता है। देखिए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। पॉइंट नंबर वन देखिए क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम रूबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा ऑक्यूपाई पीक पोजिशन ऑन द कर्व। आइए इन मेटल्स की पोजीशन को विजुलाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, पोटासियम यहां प्रेजेंट है, रुबिडियम यहां प्रेजेंट है, आगे बात की जाएगी तो सीजियम मिल जाएगा। क्लियर है बात। देखिए, इससे पहले मेटल्स की कैटेगरी में लिथियम यहां प्रेजेंट है, सोडियम यहां प्रेजेंट है। यहां पर हमने ए पॉइंट में देखिए क्या कंक्लूड किया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई पीक पोजीशन। इन्हें क्या बोला जाएगा, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। और यहां पर हमें कमेंट भी करना होगा, दे ऑक्यूपाई पीक पोजीशन, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करती है मेटल्स। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसकी मीनिंग को जान चुके हैं, तो आइए इसको और ज्यादा सिंपल बनाते हुए, इस कर्व को और ज्यादा सिंपल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देखिए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजिशन ऑन द कर्व। देखिए वापिस से इस कर्व को हमें इमेजिन करना होगा और यहां पर लोकेट करना होगा बेरिलियम, बेरिलियम मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, ये डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां बेरिलियम है, यहां देखिए ये डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां कौन है, मैग्नीशियम है। ये देखिए ये डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां कौन है, कैल्शियम है। ये देखिए ये डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां कौन है, यहां स्ट्रोंटियम है। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां पर हम कमेंट करना चाहेंगे, देखिए क्या, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी ऐसी मेटल्स जिनकी टेंडेंसी इन मेटल से इलेक्ट्रॉन देने की क्या है, कम है। लेकिन मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इस प्रकार से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। और ये पोजीशन कौन सी है, देखिए लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स
बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम किस प्रकार से सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करती हैं। ये देखिए डिसेंडिंग पोर्शन पर प्रेजेंट होंगी, बेरिलियम यहां है और ये डिसेंडिंग पोर्शन देखिए यहां मैग्नीशियम, ये भी डिसेंडिंग पोर्शन, यहां कैल्शियम, ये डिसेंडिंग पोर्शन, यहां कौन है स्ट्रोंटियम है। इस प्रकार से सिमिलर पोजिशन पर कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होंगी जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हमें आगे चलना है और बात करनी है मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स की। देखिए मेटलॉइड्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल होगी और साथ में नॉन मेटल से भी रिजेंबल होगी। कैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जी हां ये देखिए इस बात का प्रमाण है बोरोन सिलिकन आर्सेनिक टेल्यूरियम एस्टिटाइन एटसेट्रा, ये मेटलॉइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच होगी, नॉन मेटल से भी मैच होगी, मायावी एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल हम बाद में जानेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जानेंगे ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए आगे बात होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जी हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। देखिए लोथर मेयर कर्व को ध्यान से इमेजिन करने के बाद आप जान पाएंगे किस प्रकार से मेटलॉइड्स बोरोन बोरोन सिलिकन इस प्रकार से ये देखिए बॉटम पार्ट पर प्रेजेंट है, ये बोरोन है, यहां देखिए ये सिलिकन है और यहां देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आयरन कोबाल्ट निकल क्रोमियम वेनेडियम टाइटेनियम, ये सारे क्या हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स हैं। मैक्सिमम क्या है इनमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेकिन साथ में कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। आगे जाने पर बॉटम पोर्शन पर मैक्सिमम क्या मिलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और साथ में क्या मिलते हैं, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। आई होप आपने इसको इमेजिन किया होगा। मेटलॉइड्स की डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपको जरूर बताई जाएगी, आगे चलकर डेफिनेशन आपको जरूर बताई जाएगी मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, पॉइंट डी की बात करनी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, एलिमेंट्स विच हैव ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और विच हैव ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हेलोजन्स भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से लोथर मेयर कर्व पर इन एलिमेंट्स को कहां पर लोकेट किया गया है, यानी लोथर मेयर कर्व पर अगर बात की जाए इन एलिमेंट्स की लोकेशन की, तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोर्शन ऑन द कर्व, जी हां असेंडिंग पोर्शन पर ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे। देखिए फ्लोरीन यहां पाया जाएगा असेंडिंग पोर्शन पर, ये देखिए क्लोरीन असेंडिंग पोर्शन पर, आगे देखिए ब्रोमीन भी असेंडिंग पोर्शन पर। जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तब आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी ये एलिमेंट्स भी सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं लोथर मेयर कर्व पर, इस बेहतरीन कर्व पर, यानी इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आई होप आपने लोथर मेयर कर्व पर इन एलिमेंट्स को लोकेट किया होगा और आपने एनालाइज किया होगा जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये कहानी तो तब बिगड़ी जब और ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, ये कर्व काफी कंफ्यूजिंग हुआ और ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ जिस टाइप का ट्रेंड इन एलिमेंट्स ने फॉलो किया था, इन कम एलिमेंट्स ने फॉलो किया था। फिर क्या हुआ, फिर मेंडलीव बाबाए उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता हूं। जी हां इनकी पीरियोडिक टेबल का क्या बेस है और मेंडलीव बाबा की बातें क्या है, आइए इनको सुनने के लिए जानने के लिए बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ध्यान से देखिए इनका मानना था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं,
किसी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, और इसी को ही बेस मानते हुए, आधार मानते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा उस टाइम 63 एलिमेंट्स को रेंज किया। आइए इनकी पूरी बातों को, पूरी माया को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेंडली पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था? एटॉमिक मास था, ये आप जान चुके हैं। आइए एटॉमिक मास को बेस मानते हुए किस प्रकार से उस टाइम मेंडलीव ने मैक्सिमम एलिमेंट्स को रेंज किया और एलिमेंट्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जी हां, पॉइंट नंबर वन एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है ये। पॉइंट नंबर टू, 63 एलिमेंट्स वर नोन, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव अरेंज करने में कामयाब हो पाए थे। ये कौन कौन से मायावी 63 एलिमेंट्स थे, इनकी बात भी की जाएगी। पॉइंट नंबर टू आपने अंडरस्टैंड किया होगा। पॉइंट नंबर थ्री, ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। जी हाँ, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक बेहतरीन अंदाज में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रेंज किया। और कितने एलिमेंट्स को रेंज किया, ये आपके पास है, ये डेटा आपके पास है। कितने एलिमेंट्स को रेंज किया, किस प्रकार से रेंज किया, इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड इन वर्टिकल कॉलम्स। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में इन एलिमेंट्स को रेंज किया। आइए आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, कितनी होंगी हॉरिजॉन्टल रोज और कितने होंगे वर्टिकल कॉलम्स, इसकी हमें बात करनी है। इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, इस पूरी माया को जानना है। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जी हाँ, जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी इन्हें क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। देयर वर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, 7 पीरियड्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, और इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर वर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, यानी 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे। चलिए इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पूरी माया जानने के लिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, ईच ग्रुप अप टू ग्रुप 7 इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देखिए ग्रुप 7 तक हमें क्या करना होगा, हर वर्टिकल कॉलम को टू सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देखिए एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप कैपिटल ए आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। हम बात करेंगे डिटेल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, और देखेंगे सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को बोला जाएगा नॉर्मल एलिमेंट्स। अब बारी है एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी की। एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मर्करी। देखिए जिंक कैडमियम एंड मर्करी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब ग्रुप बी में, सभी क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सभी सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। इस पूरी माया को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तब तक क्या कीजिए, तब तक आप इन एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, पूरी मायावी टेबल आपके सामने पेश की जाएगी। जी हाँ, पूरी मेंडलीव टेबल की मैं बात करूंगा, टोटल 63 एलिमेंट्स की बात की जाएगी। देखिए आगे चलते हैं, अब बारी है पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट 7 क्या है, द 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। जी हाँ, 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स होंगे, और कितनी रोज में होंगे, ये 9 एलिमेंट्स 3 रोज में होंगे। कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे, 1 2 3 इस प्रकार से होंगे। देखिए ये केस होगा ग्रुप 8 का, इसकी पूरी माया को हमें बाद में जानना है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे
सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। जी हाँ, इस ग्रुप को ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ग्रुप को ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप भी बोला जाता है। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखिए, यही तो बेस था मेनली पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है और एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। देखिए, मेंडलीव ने कैसे चेक किया इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इस पूरी माया को जानेंगे। और कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये आप जानते होंगे, 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, मेंडलीव ने किस प्रकार से इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसी टेक्निक को जानने वाले हैं। और कौन कौन से एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया, इन सारी बातों के ऊपर खुलकर चर्चा होगी। तो देखिए, सिस्टमैटिक पैटर्न क्या था मेंडलीव का एलिमेंट्स को अरेंज करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ये देखिए, रोमन में बात होगी ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन, और लास्ट में ग्रुप एट की बात होगी। देखिए, ग्रुप सेवन तक हम जानते हैं सब ग्रुप्स ए एंड बी में इनको डिवाइड करना होगा। देखिए कैसे, ए बी, यहां भी क्या होंगे, ए बी, यहां भी ए बी, यहां भी बात करनी होगी सब ग्रुप्स ए बी की, ए बी, यहां देखिए ए बी, ए बी, इसको डिवाइड नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, इनको सेपरेट भी किया जाएगा, किसी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से मैंने इनको सेपरेट भी कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने सभी ग्रुप्स का सेपरेशन कर दिया इस प्रकार से, वर्टिकल बार्स को यूज करते हुए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आगे भी ऐसे सेपरेट किया मैंने, और लास्ट में मैंने सेपरेट नहीं किया। देखिए, लास्ट ग्रुप है, इसमें तो वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। इसके बाद देखिए क्या करना होगा, इसके बाद हमें एलिमेंट्स को यहां से अरेंज करना स्टार्ट करना होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम, इसके बाद यहां पर गैप रखना होगा रुबिडियम सीजियम। यहां देखिए, देखिए ग्रुप वन के सब ग्रुप ए में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो क्या यहीं पर ही सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को भी अरेंज करना होगा? बिल्कुल करना होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, सभी सब ग्रुप ए में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिस प्रकार से भी प्रेजेंट हैं, उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, ग्रुप टू के सब ग्रुप ए में कौन प्रेजेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद गैप आएगा। जी हां, गैप आएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों गैप आएगा, इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में चर्चा होगी, घबराना नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद गैप आएगा। यहां कौन होगा, स्ट्रोंटियम, यहां कौन होगा, बेरियम, इसको नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद बारी है ये जानने की, थर्ड ग्रुप के सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस प्रकार से प्रेजेंट हैं। देखिए, यहां प्रेजेंट हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, और उसके बाद गैलियम है, लेकिन गैलियम कैल्शियम के सामने नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव गैलियम प्रेजेंट होगा कैल्शियम स्ट्रोंटियम की इस गैप के सामने, यहां प्रेजेंट होगा, यहां गैलियम प्रेजेंट होगा, इस गैप के सामने कौन प्रेजेंट होगा, गैलियम प्रेजेंट होगा, और स्ट्रोंटियम बेरियम के इस गैप के सामने कौन प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा इंडियम, और यहां देखिए बिल्कुल लास्ट में यहां कौन प्रेजेंट होगा, थैलियम, यानी कैल्शियम के सामने गैलियम नहीं होगा, स्ट्रोंटियम के सामने इंडियम नहीं होगा, बेरियम के सामने थैलियम नहीं होगा। आई होप इसको आपने
अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए ग्रुप फोर के सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। जी हाँ, ये इनके सामने होंगे, यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखिए ग्रुप फाइव के सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन के सामने नाइट्रोजन, सिलिकॉन के सामने फॉस्फोरस, जर्मेनियम के सामने देखिए कौन होगा, आर्सेनिक होगा, जर्मेनियम के सामने आर्सेनिक होगा, टिन के सामने एंटीमनी होगा, और यहां देखिए लेड के सामने कौन होगा, बिस्मथ होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ग्रुप फाइव के सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और इनके सामने कौन होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और यहां कौन होगा, पोलोनियम होगा। आई होप इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए सब ग्रुप ए में, जी हां ग्रुप सेवन के कोरस्पोंडिंग जो सब ग्रुप ए है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इसकी हमें बात करनी है। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स ज्यादा ऊपर हमने रिप्रेजेंट किए हैं, तो देखिए यहां कौन होगा, बोरोन होगा, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन। अब देखिए सेवेंथ ग्रुप में, सब ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, फ्लोरीन, कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आप जानते होंगे निमोनिक्स भी बताए जाएंगे आपको। जी हां, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, एटी, इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को नोट कर चुके हैं तो जल्दी से इनको याद कीजिए, आई होप आपने नोट किया होगा और याद करने की ट्राई भी कर रहे होंगे। तो देखिए आपके लिए इस काम को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं निमोनिक्स और कुछ लर्निंग ट्रिक्स, जिनके बाद आप इन एलिमेंट्स को आसानी के साथ याद कर पाएंगे। जैसे ग्रुप वन ए में रखे एलिमेंट्स के लिए हमारे सामने क्या है, हलीना की रब से फरियाद, आपकी भी कुछ फरियाद रहती होगी, मेरी भी कुछ फरियाद रहती होगी, ऐसे ही देखिए हलीना की भी रब से कोई फरियाद होगी, क्या होगी ये तो हलीना ही बता सकती है। हमें यहां पर यह जानना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम रब से, रूबीडियम से, सीजियम एंड फ्रेंसियम फरियाद से। आई होप आपने इस ट्रिक नंबर वन से इन एलिमेंट्स को याद कर लिया होगा। हलीना की रब से फरियाद है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटासियम, रब से रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद FR। आई होप आप इसमें कामयाब हो पाए होंगे। देखिए ग्रुप टू ए में रखे एलिमेंट्स के लिए क्या होगी लर्निंग ट्रिक, इसके हम बात करेंगे, ट्रिक टू की बात करेंगे। ट्रिक टू देखिए क्या है, ये ट्रिक वैलिड होगी ग्रुप टू ए में रखे एलिमेंट्स के लिए, जो भी एलिमेंट्स ग्रुप टू ए में प्रेजेंट है। मेंडेलीव ने जिन एलिमेंट्स को ग्रुप टू ए में रखा है उन एलिमेंट्स के लिए लर्निंग ट्रिक आपके सामने है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा से बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर SR, बाप BA, राजी RA। जी हाँ, पेरेंट्स तो काफी सपोर्टिव होते हैं, आप जो भी डिमांड रखते हैं मिल जाता सब कुछ आपको, तो ऐसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए इस प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स आपको मिलते हैं ट्रिक नंबर टू से। आप अगर इसको याद कर चुके हैं तो ये देखिए आपके पास ट्रिक नंबर थ्री है, कौन से एलिमेंट्स के लिए, ये ट्रिक नंबर थ्री आपके पास है ग्रुप थ्री के लिए, ग्रुप थ्री के लिए। जी हां, ग्रुप थ्री के सब ग्रुप ए में रखे एलिमेंट्स के लिए। यहां पर हमने बात की ग्रुप टू ए के लिए, जी हां यहां पर बात होगी ग्रुप थ्री के लिए, यानी इसके सब ग्रुप ए के लिए, ग्रुप थ्री ए के लिए। बैंगन, बोरोन, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इन थैला, इंडियम,
थैला थैलियम टीएल, ये ट्रिक नंबर थ्री वैलिड होगी ग्रुप थ्री में रखे एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप थ्री में सब ग्रुप ए में, यानी ग्रुप थ्री में। आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा। अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो चलिए अब बारी है ग्रुप फोर में रखे एलिमेंट्स के लिए, क्या होगी ट्रिक नंबर फोर। ट्रिक नंबर फोर, ट्रिक फोर क्या होगी, ध्यान से देखिए। ये ट्रिक फोर होगी ग्रुप फोर ए में रखे एलिमेंट्स के लिए, यानी ग्रुप फोर है और सब ग्रुप क्या है, ए है, इसकी हमें बात करनी है। देखिए, चले शिव जी संग पार्वती, जी हाँ शिव जी पार्वती कहीं गए होंगे, जी हाँ घूमने कोई भी कहीं जा सकता है, तो इसके लिए हम याद रखेंगे चले सी शिव जी एस आई, चले से क्या बनेगा, सी बनेगा कार्बन, शिव जी एस आई, जी जर्मेनियम, संग एस एन, पार्वती पी बी। आई होप आपने ट्रिक फोर को भी याद कर लिया होगा। चलिए इसके बाद बारी है ट्रिक नंबर फाइव की। देखिए ट्रिक नंबर फाइव क्या है, ट्रिक नंबर फाइव वैलिड होगी ग्रुप फाइव के लिए, जी हाँ ग्रुप फाइव में ए सब ग्रुप में रखे एलिमेंट्स को याद करने के लिए वैलिड होगी। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी एसपी, बिस्मथ और निमोनिक्स। देखिए क्या होंगे, नई पसंद ऐसे सब भाई, धोखेबाज भाई किसी को पसंद नहीं है, आपको भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए नई से क्या बनेगा, नाइट्रोजन पसंद, फॉस्फोरस ऐसे, आर्सेनिक सब, एंटीमनी भाई, बिस्मथ। आई होप आपने इसको याद किया होगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, उससे टीपो, जी हाँ ट्रिक नंबर सिक्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जल्दी से टेपो। देखिए उसे ओ से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेल्यूरियम, पो से पोलोनियम। आई होप आपने टेप लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो चलिए बारी है ट्रिक नंबर सेवन की। देखिए ट्रिक सेवन क्या है, ट्रिक सेवन क्या है आपके सामने है, जल्दी से देखिए इसको। ये वैलिड है ग्रुप सेवन के लिए और ग्रुप सेवन में सब ग्रुप ए में रखे एलिमेंट्स को याद करने के लिए काफी कारगर होगी ट्रिक नंबर सेवन। फिर कल बारात आई अतुल की, अतुल की क्यों बारात आई, कैसे आई, ये तो अतुल ही बता सकता है, अभी तो हमें एलिमेंट्स को याद करना है। देखिए फ्लोरीन, फिर से क्या बनेगा, फ्लोरीन, कल से सीएल क्लोरीन, बारात से ब्रोमीन, आई आयोडीन, अतुल की एटी, अतुल से क्या बनेगा, एटी बनेगा। देखिए ट्रिक नंबर सेवन के बाद अब बारी है ट्रिक नंबर एट की। क्या ट्रिक नंबर एट ग्रुप एट के लिए वैलिड होगी, जी नहीं, ट्रिक नंबर एट ग्रुप एट के लिए वैलिड नहीं होगी। ट्रिक नंबर एट वैलिड होगी सब ग्रुप बी में रखे एलिमेंट्स को याद करने के लिए। देखिए किस प्रकार से हमें सब ग्रुप बी में रखे एलिमेंट्स को याद करना है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, देखिए साइंस से क्या बनेगा, स्कैंडियम टीचर, टाइटेनियम वेरी, वेनेडियम क्रूअल, क्रोमियम मांगे, मैग्नीज मांगे से मैग्नीज फेयर, आयरन, आयरन बनेगा इससे कॉपी, कोबाल्ट, निकुन से, नी से क्या बनेगा, निकल, कू से कोपर, जैसे क्या बनेगा, जिंक बनेगा, से कुछ नहीं बनेगा। जल्दी से इसको याद कीजिए, ट्रिक एट अगर आप याद कर चुके हैं, इसके बाद बारी है ट्रिक नाइन की। ये दोस्ती के ऊपर है, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट राह पड़े, यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे। देखिए ये हमारे पास है ट्रिक नंबर नाइन, ट्रिक नाइन हमारे पास है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा और फील भी किया होगा। देखिए ट्रिक नंबर नाइन क्या है, यारी से क्या बनेगा, वाई एलिमेंट, वाई यटीरियम बनेगा, ये ट्रिक नंबर नाइन है, यटीरियम वाई बनेगा। जरा जेडार निभाएंगे, एन बी मोथ, एमओ तक, टी सी रुकावट, आर यू राह, आर एच
पड़े, पीडी तो आग, आग से एजी कूद, सीडी जाएंगे, जाएंगे इस कुछ नहीं बनेगा। कि ट्रिक 9 आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, ये भी सब ग्रुप बी के लिए है, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स के लिए है। आइए इसके बाद बात करें ट्रिक नंबर 10 की, ये आपके सामने है। ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रोड से और पिटाई होगी। देखिए ट्रिक नंबर 10 क्या है, ये भी सब ग्रुप बी के लिए है। जी हां, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को याद करने के लिए है। ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। देखिए ला से क्या बनेगा, एल ए, हफ्ता एच एफ, वरना डब्लू, रे आर ई, उस ओ एस आयरन, जी हां आयरन से आई आर, एफ ई नहीं बनेगा, आई आर बनेगा, आई आर, पिटाई पी टी, और ए यू होगी एच जी। आई होप आपने भी इन सभी एलिमेंट्स को याद कर लिया होगा। अब वक्त हो गया है इन एलिमेंट्स को किस प्रकार से मेंडलीव की टेबल में हमें प्लेस करना है। देखिए मेंडलीव की एक इनकम्प्लीट टेबल आपके सामने है, जिसमें हमने सब ग्रुप्स ए में एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया था और इन एलिमेंट्स को याद भी कर चुके हैं इसी सीक्वेंस में लर्निंग ट्रिक्स की हेल्प से। अब बारी है सभी सब ग्रुप्स बी में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए। देखिए इसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लर्निंग ट्रिक्स की, उसी को अप्लाई करना होगा किस अंदाज में एलिमेंट्स प्लेस्ड होंगे। देखिए इसको हमें सबसे पहले जानना होगा, कैल्शियम के सामने कौन प्रेजेंट होगा, स्कैंडियम प्रेजेंट होगा। ये देखिए कैल्शियम के सामने स्कैंडियम, कौन से ग्रुप में, ग्रुप 3 में, कौन से सब ग्रुप में, सब ग्रुप बी में, यह होगा स्कैंडियम। इसी सीक्वेंस में आगे चलना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। देखिए ग्रुप 8 में 2 एलिमेंट्स नहीं होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, और इस प्रकार से सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी में अरेंज नहीं होंगे। ऐसे ही डायरेक्टली आपको 3 एलिमेंट्स एक रो में आपको अरेंज करने। इसके बाद कॉपर जिंक होगा, कॉपर कहां होगा, ये देखिए ग्रुप 1 के सब ग्रुप बी में यहां पर प्रेजेंट होगा कॉपर, और गैलियम से जस्ट पहले कौन होगा, जिंक होगा। ऐसे ही आगे चलना है, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम के सामने कौन होगा, ग्रुप 3 के सब ग्रुप बी में यहां होगा वाई, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे। देखिए यहां होगा एजी, यहां कौन होगा, यहां होगा सीडी। आई होप ये आपने नोट किया होगा। इसके बाद, इसके बाद ला हफ्ता वरना रे, देखिए बेरियम के सामने ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे, उस आयरन रोड से, आयरन रोड से पिटाई पीटी, पिटाई पीटी और होगी। देखिए गोल्ड कहां होगा, सिल्वर के नीचे होगा गोल्ड, एयू गोल्ड यहां होगा, सिल्वर के नीचे, सिल्वर के नीचे होगा गोल्ड, यहां होगा, देखिए यहां पर प्रेजेंट होगा। देखिए गोल्ड के बाद और थैलियम से पहले कौन होगा, गोल्ड के बाद और थैलियम से पहले कौन होगा, मरकरी होगा। आई होप आपने भी इस टेबल को इसी बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया होगा, यानी हमने सभी सब ग्रुप से एंड सब ग्रुप्स बी में प्रेजेंट एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, साथ में ग्रुप 8 के भी इन 9 एलिमेंट्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए इसके बाद हमें बात करनी है बुक्स में मेंडलीव टेबल कैसे गिवन होगी। मेंडलीव की टेबल ऐसे गिवन होगी, इसका बेस क्या होगा, आइए इसके बेस की बात करें। मेंडलीव ने कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस को अंडरस्टैंड किया, वैलेंसी की हेल्प से। मेंडलीव के अकॉर्डिंग ऑक्साइड्स में, अगर बात की जाए ऑक्साइड्स में वैलेंसी की, तो देखिए वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी इन ऑक्साइड्स, ग्रुप 1 में प्लेस्ड एलिमेंट्स की वैलेंसी इनके ऑक्साइड्स में, कोरस्पोंडिंग ऑक्साइड्स में +1 होगी, यहां +2 होगी, यहां देखिए +3 होगी,
प्लस फोर होगी, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन एंड इस प्रकार से प्लस एट होगी। किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म होगा? R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4। देखिए कैसे इस पूरी माया को हमें अंडरस्टैंड करना है। बात की जाए ग्रुप वन की, देखिए ग्रुप वन के एलिमेंट्स की वैलेंसी इनके ऑक्साइड्स में क्या होगी? प्लस वन होगी। एलिमेंट है R, वैलेंसी है प्लस वन। देखिए ऑक्साइड पर चार्ज क्या होगा? टू माइनस होगा। वैलेंसीज के क्रॉसओवर के बाद ऑक्साइड कैसा बन पाएगा? R2O टाइप का बन पाएगा। जी हाँ, R2O टाइप का बन पाएगा। ऐसे ही ग्रुप टू की बात की जाए, ग्रुप टू की बात की जाए और यहां पर R की वैलेंसी की बात की जाए, ये क्या होगी? प्लस टू होगी। जी हाँ, वैलेंसी प्लस टू होगी। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? चार्ज क्या होगा आप जानते हैं, इसके क्रॉसओवर के बाद देखिए ऑक्साइड कैसा होगा? आरओ टाइप का होगा। आई होप ग्रुप टू में रखे एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए ग्रुप थ्री में प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी इनके ऑक्साइड में, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में? ये प्लस थ्री होगी। देखिए किस टाइप का ऑक्साइड बन पाएगा? R3 प्लस, O2 माइनस, इस टाइप का बन पाएगा R2O3। आई होप इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। ग्रुप फोर में प्रेजेंट, ग्रुप फोर में प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी? प्लस फोर होगी। यहां देखिए किस टाइप का ऑक्साइड बन पाएगा? वैलेंसी प्लस फोर होगी। ऑक्साइड पर चार्ज टू माइनस होगा। किस टाइप का ऑक्साइड बन पाएगा? हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात करनी है। वैसे तो R2O4 हमें यहां से मिलता है, टू कॉमन लेने के बाद देखिए क्या मिलता है, RO2। आई होप आपने ऐसे ही ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 तक बात कर ली होगी। इनके ऑक्साइड्स में क्या वैलेंसी होगी? प्लस 1 से लेकर प्लस 8 तक होगी। और इस प्रकार से वैलेंसी को यूज करते हुए आप आसानी के साथ इनके ऑक्साइड के जनरल फॉर्मूला को इस बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। और ये आपने याद भी कर लिया होगा, R2, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4। अगर याद नहीं किया है तो जल्दी से याद कीजिए। देखिए इसके बाद हमें जानना है मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर वन है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जी एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। इतने सिस्टमेटिक मैनर में पहली बार ही इतने सारे एलिमेंट्स को किसी साइंटिस्ट ने अरेंज करके दिखाया था। वह साइंटिस्ट कौन थे? मेंडेलीव थे। आई होप पॉइंट नंबर वन आपने अंडरस्टैंड किया होगा, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडेलीव ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहां पर जरूर कोई नया एलिमेंट एग्जिस्ट करने वाला है। उस एलिमेंट के लिए मेंडेलीव ने अपनी टेबल में स्पेस छोड़ दिया था। देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जिनके लिए मेंडेलीव अंतर्यामी हो गए थे? देखिए ऐसे एलिमेंट्स ये थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्निटियम। ये याद रखने होंगे आपको कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनके लिए मेंडेलीव ने पहले ही स्पेस छोड़ दिया था। देखिए जिन एलिमेंट्स के लिए मेंडेलीव ने स्पेस छोड़ा था उन एलिमेंट्स को मेंडेलीव ने कुछ स्पेशल नाम से पुकारा था। ये नाम क्या है? गैलियम को इका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम को इका बोरोन, जर्मेनियम को इका सिलिकॉन और टेक्निटियम को इका मैग्नीज। इस नाम से क्यों पुकारा था ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे आखिरकार मेंडेलीव ने इसी नाम से इन एलिमेंट्स को क्यों पुकारा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कैसे मेंडेलीव ने इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। मेंडेलीव के पास जो डेटा इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का था वह डेटा इनकरेक्ट था। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम के एटॉमिक मासेस इनकरेक्ट थे मेंडेलीव के पास। और मेंडेलीव को काफी कंफ्यूजन हुई इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में और फाइनली इनके करेक्ट एटॉमिक मासेस को मेंडेलीव ने कैलकुलेट किया। और इनके करेक्ट एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के बाद इन एलिमेंट्स को एक बेहतरीन अंदाज में मेंडेलीव ने अरेंज किया। आई होप ये आप जानना चाहेंगे कैसे मेंडेलीव ने इनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया।
चलिए इसी बात को हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।